अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर मैं यहाँ पर किसी को जानती हूँ तो इसको इसको निधि निधि बहुत ही खराब औरत है और मेरी जान के पीछे पड़ी है। पड़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती और अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसके हस्बैंड जो कि आप हैं, आप निधि के पति हैं। निधि को लगता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और इसलिए वो मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए मार देना चाहती है। पीछे पड़ी हुई है और आप भी कमाल करते हैं, मतलब इट्स सो वियर्ड। शादी हो चुकी है आपकी तो ये प्यार मोहब्बत की बातें आप मुझसे कैसे कर सकते हैं? अरे क्या बातें कर रही हो तुम प्रीता, आर यू मैड व्हाट? कि चौथी फेल डॉक्टर, मेरी शादी हो चुकी है, हो चुकी है मेरी शादी, लेकिन तुमसे हुई है मेरी शादी। सिर्फ तुमसे और किसी से शादी नहीं हुई है, ऐसी बातें कर रही हो तुम प्रीता? देखिए ऐसे मत बोलिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप उस लड़की के पति हैं। मैंने देखा आप दोनों को एज अ कपल, हस्बैंड वाइफ। बस दी, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मत पूछो क्वेश्चंस, मत एक्सप्लेनेशन दो, मत सुनो इनके जस्टिफिकेशंस। बड़े रिश्तों के कसीदे पढ़ रहे हैं आप सब लोग कि किसका रिश्ता दी के साथ कैसा था, किसने दी को कितना प्यार किया, कितना प्यार करते हैं। अरे खाक प्यार करते हैं आप लोग। मेरी दी को आप लोगों ने दुख दर्द के अलावा और कुछ नहीं दिया है। मेरी दी ने आप लोगों की वजह से जिंदगी में इतनी तकलीफें झेली है, बच्चे छीन लिए मेरी दी से उनके, उन्हें बेइज्जत करके घर से बाहर निकलवाया। और आप करण जीजू, आप तो एक नंबर के धोखेबाज हो, खुद को लाइफ पार्टनर बुलाते हो, जीवन साथी बुलाते हो दी का, कभी दी की साइड लेते हो और कभी अपनी फैमिली की। और ये निधि, इसकी बहन अंजलि ने मेरी दी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे इसकी बहन ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसके बावजूद आप सबने इसको इस घर में पनाह दी है, इस घर का और इस परिवार का हिस्सा बनाया है। अरे ये जैसी भी है निधि डायन, लेकिन इसने इसने बहुत कुछ किया तो है ना आप लोगों के लिए, मेरी दी के बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए जो भी कुछ किया है, अच्छा बुरा पता नहीं इसके कर्म यही जाने, लेकिन आप लोगों ने मेरी दी के साथ बहुत ही ज्यादती की है और ये मैं भूली नहीं हूं। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि करण जीजू के साथ अंजलि है, निधि है, कोई और, मैं बस इतना जानती हूं कि इस घर की बहू होते हुए भी मेरी दी ने एक बेटी की तरह इस घर के रिश्तों को अपने खून से सींचा है। और बदले में इनको क्या मिला? बेइज्जती, 20 साल का वनवास। राजवीर चल घर चल, मुझे यहां से लेकर जा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। चल प्लीज चल, मुझे घर लेकर चल, यहाँ पर मुझे नहीं रहना है, मेरा दम घुट रहा है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर?
किस बात का मैसेज है? ये प्रीता जी हैं। तेरी माँ, तेरी माँ। जिन्होंने तुझे जन्म दिया, तुझे जन्म देने वाली माँ, वाली माँ। प्रीता जी, प्रीता जी। आपको क्या लगा प्रीता जी, शौर्य आपका बेटा नहीं है? कहीं ये गलत फहमी तो नहीं थी आपको कि ये शौर्य निधि का बेटा है, और इस गलत फहमी के कारण आप इस घर में नहीं आई? ये आपका बेटा है, शौर्य, शौर्य। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।